हेलो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम बैक टू अ न्यू गेम प्ले वीडियो। तो गाइस आज हम लोग एक और न्यू हॉरर गेम प्ले खेलने जा रहे हैं जिसका नाम है इविल कैट बॉय। इसमें एक गाइस कैट तरह का भूत है जिससे कि हमें गाइस एस्केप करके इस घर से निकलना है, और हमारे साथ हमारे कुछ साथी भी होने वाले हैं। तो ये है शायद से कौन, इसका नाम क्या रख दूँ, ये पप्पू, ये टिंकू और ये है सलीना। सलीना ठीक नाम है गाइस, एक का नाम सलीना है। तो गाइस ये सारे दोस्त हमारी मदद करेंगे यहाँ से निकलने में, क्योंकि गाइस हमें यहाँ से निकलने के लिए, अच्छा मैं आपको वो दिखाना तो भूल ही गया, ये रहा गाइस वो डोर। इसके लिए हमें हैमर, क्रोबार और एक की लानी होगी। तो गाइस उस की को ढूंढने के लिए ये हमारे दोस्त हमारी मदद करेंगे। ये उस कैट बॉय का गाइस ध्यान भटकाएंगे और मैं जल्दी जल्दी सारा सामान ढूंढ लूँगा, उसके बाद गाइस हम यहाँ से निकल जाएंगे। तो चलिए गाइस अब एस्केप अपना चालू करते हैं और देखते हैं कि आखिर वो इविल कैट है तो कौन है। बाकी ये लोग गाइस उसे उसका ध्यान भटकाते रहेंगे तरह तरह की जगह में, क्योंकि वो इतना तेज़ दौड़ता है गाइस कि क्या बता दूँ, इसलिए हमें उससे बच के रहना है। फिलहाल गाइस इस गेम की ग्राफिक्स मुझे काफ़ी अच्छी लगी। और यहाँ पे ये पड़ा क्या है, ओ मेरा दोस्त भाग रहे हैं, और ये रहा साला इविल कैट। अरे ये तो मेरे दोस्तों को मार रहा साला, ये गलत कर रहा है। चलिए कोई दिक्कत नहीं गाइस, जब तक ये ध्यान भटकाए हुए हैं तब तक मैं सामान वगैरह ढूंढ लेता हूँ। अभी मुझे चाहिए एक हैमर और एक क्रोबार और यहाँ से निकलने वाली की। चलिए चलता हूँ। बाकी इस घर में कूड़ा कचरा कितना है यार, शायद से इस घर में गाइस ये भूताई बिल्ली बस रहती है। और ये देखिए सामने ही खड़ा हुआ है साला। फिलहाल मेरे दोस्त तो बच गए हैं इससे। हेलो कैट, ए ये लोग जा कहाँ रहे हैं, उसके पास क्यों जा रहे हैं। अरे यार ये तो खुद ही जा रहे हैं उसके पास। कोई दिक्कत नहीं गाइस, शायद से ये उसका ध्यान भटका रहे हैं ताकि अभी मैं सब सामान यहाँ से ढूंढ लूँ। चलिए अब घर, इस घर में देखते हैं कितना बड़ा ये घर है गाइस। और यहाँ पर एक बैन स्केप है, शायद से ये बैन स्केप भी गेम अपग्रेड हो जाएगा, लेकिन अभी इसमें बैन स्केप नहीं है, अभी तो हम डोर स्केप करने वाले हैं। फिलहाल इस घर में यार बहुत ही ज़्यादा कचरा है, और यहाँ पे एक टीवी रखी हुई है और टीवी भी चालू है, और वो रहा इविल कैट, वो उधर ही जा रहा है, उसको जाने देता हूँ, उससे मुझे अभी पंगे नहीं लेना है गाइस। अभी मैं चलता हूँ, हैमर मुझे ढूंढना है, क्रोबार, ओ लड़की यहाँ भाग रही है, सलीना कहाँ भाग रही है तुम, चलो चलो तुम उसका ध्यान भटकाओ। और यहाँ पे एक चाकू पड़ा है जो कि मुझे अभी नहीं चाहिए यार, उसका तो मुझे काम ही नहीं है कुछ। बाकी गाइस यहाँ मुझे अभी कोई कुछ काम वाली चीज़ तो दिखी नहीं है। फिलहाल ये लोग इतना तेज़ भाग रहे हैं, शायद से वो इसी रास्ते से तो नहीं आ रहा है। कोई दिक्कत नहीं गाइस, वो आएगा तो मैं उसकी इविल कैट को चकमा दे के निकल लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल इस घर में यार कितनी बड़ी भूल भुलैया बनी हुई है इस वाले रूम में। यहाँ पर एक बेड है और यहाँ पर कुछ टॉय वगैरह पड़े हुए हैं और ये पेपर वगैरह पड़े हुए हैं, तो मुझे इनका तो कुछ भी काम नहीं है यार, मुझे सिर्फ अपने काम काम की चीज़ें ढूंढनी है। और ये शायद से इविल कैट का बेड है, और यहाँ पे हेल्थ किट भी पड़ी हुई है जो कि मुझे नहीं चाहिए अभी, अभी हमारी हेल्थ फुल है। लेकिन यार मुझे अभी हैमर नहीं दिखा, ना तो क्रोबार दिखा और ना ही की मिली, पता नहीं वो मुझे कहाँ से मिलने वाली है। और यहाँ पे पेपर वगैरह में भी कुछ मुझे दिख नहीं रहा है। चलिए फटाक गाइस यहाँ से निकलते हैं और चलते हैं, ढूंढते हैं नई नई चीज़ें। फिलहाल ये बंदा दौड़ के आ रहा है, क्यों वे टिंकू कहाँ भाग रहा है तू। फिलहाल यहाँ एक फ़ोन है और एक पुराने ज़माने वाला रेडियो, और एक कैट बॉय आ गया। कैट बॉय, हेलो कैट बॉय, बेचारा यार मेरे को बचा दिया गाइस, वरने मेरे को पकड़ लेता। और इसमें ये भी है गाइस कि यदि हम आउट हो जाते हैं तो फिर से पूरा गेम शुरू से आ जाएगा, इसलिए गाइस हमारे ये दोस्त हैं हमारे साथ में। लेकिन अभी मैं इसके बगल से निकलूँगा साले के, देखता हूँ ये मेरे को पकड़ कैसे पाता है। फिलहाल इस वाले रूम में यार पिज्ज़ा वगैरह रखा है और ड्रिंक वगैरह ये करता है क्या, शायद से इविल कैट गाइस ड्रिंक वगैरह बहुत ही ज़्यादा करती है। लेकिन यहाँ से मुझे अभी हैमर नहीं मिल रहा यार, और वो साला मेरे दोस्तों को मार रहा है। नहीं नहीं वो मेरे दोस्त भाग चुके हैं उसे चकमा देके। फिलहाल यहाँ इस वाले रूम में तो मैं अभी आया ही नहीं, ये शायद से कोई न्यू रूम है, और इसके अंदर सारे टॉयस टॉयस गाइस, और ये बड़ी बड़ी फुटबॉलें भी हैं इनसे, ओ एक नंबर यार। हमें हैमर मिल चुका है यहाँ से गाइस, एक नंबर। चलिए अपने हैमर को उठा लेते हैं और फटाक से यहाँ से निकलते, सबसे पहले गेट को तोड़ते हैं, गेट की प्लाई, उसके बाद क्रोबार और फिर की ढूंढते हैं। फिलहाल कैट बॉय जा रहा है, इसकी पूंछ देख रहे कितनी लंबी है साले की। हेलो कैट बॉय आ जा, बट ये मेरे को कुछ कर नहीं रहा गाइस, पता नहीं क्या हो गया, साथ से मेरे ऊपर खुश है। फिलहाल हमें इसी वाले रूम में जाना है और यहाँ से एक प्लाई को खोल देना है। अच्छा एक प्लाई हैमर से खुलेगी और एक प्लाई क्रोबार से खुलेगी, तो अब चलिएगा इस फटाक से चलते हैं, क्रोबार ढूंढते हैं। अरे अरे इविल कैट बॉय खड़ा हुआ है, मुझे इधर भागना होगा। अरे अरे ये तो मेरे पास ही आ रहा साला, भाग जा भाग जा। और ये हम अपनी, ये क्या हो गया यार, अरे मेरा दोस्त एक फंस गया। लेकिन मुझे एक अच्छी न्यूज़ ये मिल गई कि हमें यहाँ से क्रोबार भी मिल गया, मैं सही सही ठीक ही मैं इस रूम में आ गया यार, एक नंबर। लेकिन उसने मेरे दोस्त को यार बेचारे, ओ उसको मेरे दोस्त को बार बार मार देता है और मेरा दोस्त बार बार उठ जाता है। भाग जा भाग जा भाग जा, और वो भागने की कोशिश भी कर रहा है लेकिन भाग नहीं पा रहा।
भाग 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 भाग, एक नंबर गाइस। हमारा टिंकू भाग चुका है और पिंकू और सलीना शायद से अभी इसका ध्यान और भटकाने में लगे हुए हैं। फिलहाल चला जाए यार कैट बॉय यहाँ से, तू अब कितनी देर में जाएगा यार, ये इसका ध्यान भटकाता हूँ। चल चल इधर आ जा, मैं इधर हूँ। हेलो कैट बॉय, हेलो। अरे इसे मैं दिख ही नहीं रहा हूँ क्या साले को, ये तो यार कैसा कैट है साला। लेकिन कोई दिक्कत नहीं गाइस, मैं इसको जाने के इंतजार तो मुझे अब करना ही पड़ेगा। अरे अरे मेरे को लगा मेरी तरफ ये बहुत तेज़ी से भाग के आ रहा है, बट वो उधर साइड जा रहा था। शायद से मेरे दोस्तों ने किसी ने इसका ध्यान भटकाया होगा। तो चलिए गाइस फटाक से चलते हैं और इस वाले प्लार को भी तोड़ देते हैं क्रोबार से। फिलहाल इसे मैं यहीं ड्रॉप कर देता हूँ। अब मुझे गाइस की सिर्फ की ढूंढना रही, ये तो मेरी तरफ आ रहा साला। बच गया मैं। जैसे गाइस मैं दौड़ता हूँ, मुझे इसके पंजे से गाइस बचना है। यदि इसका पंजा मेरे लग गया तो मैं तुरंत आउट हो जाऊँगा। लेकिन मैं आउट ही होने वाला था, लेकिन मैंने दौड़ लगा दिया और मैं बच गया यार। चलिए अच्छी बात है। अब मुझे गाइस की ढूंढना है, जो कि अभी मुझे किसी वाले रूम में भी नहीं दिखी यार। मैंने सारे रूम अच्छे से चेक कर लिए। अरे अरे ये साला इधर ही आ रहा है यार। इससे पहले मैं भागता हूँ, उसके बाद की ढूंढता हूँ। और इस तरफ शायद से मैं, अरे मैं इस वाले रूम में भी आ चुका हूँ, लेकिन यहाँ मैंने अच्छे से चेक नहीं किया था। शायद से यहाँ पर भी नहीं है यार की, इस वाले रूम में भी की नहीं है। अरे अरे कैट बॉय भी इधर ही आ रहा है, मेरा पीछा कर रहा है लगता है। अब फिलहाल यहाँ पे नाइफ़ है, तो नाइफ़ तो मुझे चाहिए ही नहीं। और मैंने अलमारियों में भी अच्छे से चेक कर लिया था। ये हमारा दोस्त पिंकू भाग रहा है। क्या पिंकू जल्दी जाओ उधर, उधर उसका ध्यान भटका, मेरे को की ढूंढना है, उसके बाद हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। गाइस की ढूंढते ही यार हम सारे दोस्त यहाँ से निकल जाएंगे। अब जल्दी से मुझे फटाक से की ढूंढना है, जो कि मुझे अभी तक नहीं मिली यार। चलिए देखता हूँ, कहीं ना कहीं तो शायद से मिल जाएगी। इस जगह मैं दोबारा आ गया हूँ और अभी भी मुझे की नहीं मिली। और वहाँ से कैट बॉय भी आ रहा था क्या? नहीं आ रहा था वो। मुझे किधर जाना है यार? मैंने ऑल सारी की सारी जगह अच्छे से चेक कर ली है, लेकिन ये वाली जगह, अरे यार ये रही ना हमारी की। मैंने पहले यहाँ पे क्यों नहीं चेक किया? मैं यहाँ से निकला था लेकिन मैंने यहाँ चेक नहीं किया था। चलो चलो दोस्तों भागो भागो भागो, अब हमको यहाँ से निकलना है। अब हमें यहाँ एक भी पल नहीं रुकना है गाइस, अब हम यहाँ से निकल जाएंगे, अब मज़ा आएगा ना बिड़ू। चलो 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 इसी वाले रूम में, सब लोग इसी वाले रूम में आ जाओ। चलिए गाइस अब जैसा ही हम ये की लगाते हैं तो देखते हैं कि हम कैसे इस घर से निकलते हैं। अरे ये क्या हो गया, कुछ दिख नहीं रहा। अरे ये तो एकदम ब्लैक होल टाइप का बन चुका है। साथ से गाइस हम इसी ब्लू होल से एस्केप करने वाले हैं। फिलहाल मैं अपने दोस्तों को बुला लेता हूँ, वो लगता है नहीं आएंगे, मुझे अकेले ही निकलना पड़ेगा। अच्छा ये भी आ गए मेरे जाने के बाद, ये भी आ गए। और अब मुझे लगता है कि कैट इविल कैट बॉय खड़ा होगा। बाय बाय कैट बॉय, बाय बाय। अरे अब बेचारा ये उदास हो गया, अब इसके दोस्त चले गए ना गाइस, अब ये खेलेगा किसके साथ। तो चलिए गाइस आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वाली वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा। बाकी मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस, बाय बाय।